गहलोत पर कार्रवाई की तैयारी में सोनिया गांधी, जाएगा सीएम पर। एक दो दिन में राजस्थान को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। सचिन पायलट की खामोशी दे रही है तूफान आने का संकेत। गहलोत समर्थकों में बढ़ती दिख रही है बेचैनी। राजस्थान में अशोक गहलोत की कुर्सी सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही है। गहलोत भले ही बेफिक्री का दावा कर रहे हों, उनके समर्थक कह रहे हों कि सीएम की कुर्सी सुरक्षित है, लेकिन मामला फंसा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को माफ नहीं किया है, उनकी माफी मंजूर नहीं हुई है। केसी वेणुगोपाल ने जो ऐलान सार्वजनिक रूप से किया था वो टला जरूर है, लेकिन उसे रद्द नहीं किया गया है। यानी जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाने गए नेता के चुनाव का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पर कभी भी सोनिया गांधी फैसला ले सकती हैं। अशोक गहलोत से सिर्फ सोनिया गांधी ही नाराज नहीं है, बल्कि राहुल और प्रियंका भी अब उनके साथ नहीं है। सचिन पायलट पार्टी हाईकमान के संपर्क में बने हुए हैं। पायलट को संकेत साफ है कि फैसला बदलेगा नहीं, कुछ समय जरूर लगेगा, जल्द ही उन्हें राजस्थान का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले सरकार बनी रहे इस पर काम किया जाएगा। गहलोत को हटाया जाएगा, लेकिन गहलोत को हटाने के चक्कर में सरकार ही हट जाए, इस संभावना से बचने की कोशिश पहले की जाएगी। दूसरी ओर गहलोत भी अपनी सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं। वो सोनिया गांधी से माफी मांग चुके हैं, माफीनामे को सार्वजनिक भी कर चुके हैं, साथ ही ये भी पैगाम भेज चुके हैं कि अगर उनकी कुर्सी पर खतरा आया तो फिर प्रदेश में समय से पहले ही चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार समय से पहले ही गिर जाएगी। गहलोत समर्थकों की धमकी के चलते ही राजस्थान को लेकर कांग्रेस फैसला टाल रही है, लेकिन सोनिया गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि ये ज्यादा समय तक नहीं टाला जाएगा, जल्द ही गहलोत की कुर्सी को लेकर बड़ा फैसला हो जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पहली तस्वीर में राहुल गांधी अडानी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियां उद्योगपतियों के लिए अलग हैं और आम लोगों के लिए अलग। अडानी और अंबानी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो गरीब आदमी को 50,000 रुपए के लिए जान देनी पड़ रही है। भारत में दो देश नहीं हो सकते। राहुल गांधी कर्नाटक से अडानी पर निशाना साध रहे थे, तो अशोक गहलोत जयपुर में अडानी के साथ मंच शेयर कर रहे थे। अडानी गहलोत के बुलावे पर ही आए थे, और सबसे बड़ी बात मंच पर दोनों पास पास बैठे थे। दोनों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि गहलोत ने अडानी के साथ मंच साझा कर पार्टी हाईकमान को सीधा सीधा संकेत भेज दिया है कि अगर उनकी कुर्सी के साथ कुछ करने की कोशिश की गई तो भी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अडानी और गहलोत की तस्वीर देख कर सहज नहीं दिख रहे हैं। गहलोत और अडानी की तस्वीर ही सार्वजनिक नहीं हुई है, बल्कि गहलोत के अडानी को लेकर दिए गए बयान भी वायरल हो रहे हैं। गहलोत ने अडानी की जमकर तारीफ की, उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अडानी ने भी गहलोत को निराश नहीं किया और 60 से 65,000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी कर दिया। अडानी के सहारे गहलोत ने हाईकमान को संकेत दे दिया कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। अगर उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा तो वो कांग्रेस छोड़ने के बारे में विचार नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें हटाकर कुर्सी किसी और को सौंपी गई तो वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके समर्थक विधायक अपनी ही सरकार गिरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।